हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज में आज 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। आप सभी रेडी होकर के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूरा लगाइए और अपना स्कोर चेक कीजिए। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर सकते हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ें चेकआउट कीजिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्लपूल बॉथ में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वर्लपूल बॉथ में बायोन्सी लॉर टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। वर्लपूल बॉथ यानी कि भंवर स्नान। इसमें टब में गर्म पानी में मशीनी तकनीकी द्वारा भंवर के रूप में घूमता है, जिसमें शरीर के भाग को डुबोया जाता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उदासीन होकर शरीर के चोटग्रस्त भाग को बायोन्सी टेक्निक के कारण पानी में तैरने में सहायता करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोथेरेपी का संबंध किससे है। तो दोस्तों, हाइड्रोथेरेपी को जल चिकित्सा विधि कहते हैं। तो यहाँ पे गर्म जल, ठंडा जल, बर्फीला जल तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु का आधार बड़ा हो तो उसका संतुलन कैसा होगा। तो दोस्तों, आधार जितना ही बड़ा होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे स्टेबल रहेगा यानी कि अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, एंडोलिम्फ फ्लूइड हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो कान में पाया जाने वाला एंडोलिम्फ जो द्रव्य होता है, फ्लूइड होता है, वह संतुलन बनाता है शरीर का। तो कान के दो मुख्य कार्य हैं, एक सुनना और एक संतुलन बनाना। नेक्स्ट है, सर निम्न में से कंट्रास्ट बाथ का संबंध किससे है। तो कंट्रास्ट बाथ एक प्रकार का जल चिकित्सा ही है, लेकिन इसमें गर्म और ठंडा दोनों जल का प्रयोग किया जाता है। तो पहले ठंडे जल का, फिर गर्म जल का चोटग्रस्त भाग पे किया जाता है। और ये सूजन कम करने के लिए किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, या बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, क्रायोकाइनेटिक्स क्या है। तो दोस्तों, क्रायोकाइनेटिक्स में बर्फ का प्रयोग करके अभ्यास कराया जाता है अपनी क्षमता के अनुसार। नेक्स्ट, निम्न से किस कारण रक्तवाहिनियों का व्यास कम हो जाता है। तो बर्फ के प्रयोग से रक्तवाहिनियों का दाब जो है, व्यास जो है कम हो जाता है। किसी भी चोट लगने के पश्चात तुरंत हम बर्फ का प्रयोग करते हैं, जिससे रक्तवाहिनियों का जो व्यास है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या विषम है, हाइपरथर्मिया आपका यहाँ पे विषम है। क्यों, क्योंकि हाइपरथर्मिया गर्म चिकित्सा विधि है यानी उष्ण चिकित्सा विधि है। उसके अलावा हाइपोथर्मिया, क्रायोथेरेपी, कोल्ड थेरेपी यह क्या है, ठंडी चिकित्सा विधि है। नेक्स्ट है, निम्न में से पुनः स्थापन में किसका प्रयोग किया जाता है। पुनः स्थापन यानी कि पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस यानी कि पुनः खेल ट्रेनिंग एवं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शीघ्रता से वापस आना चोट के बाद। इसमें तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में। पहला है व्यायाम विधियां यानी कि करेक्टिव एक्सरसाइज। दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियां यानी कि उसको उत्साह देना। तीसरा है चिकित्सा विधियां, जिसके अंतर्गत हाइड्रोथेरेपी, वैक्स थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साउंड थेरेपी, लाइट थेरेपी, वेव थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पुनः स्थापन का प्रयोग किसमें किया जाता है, हाइड्रोथेरेपी, गैस प्रशिक्षण, आइसोटोनिक अभ्यास। तो उपरोक्त सभी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है, लेवलोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो लेवलोमीटर का प्रयोग संतुलन यानी कि बैलेंस, इक्विलिब्रियम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किस ऊंचाई के खिलाड़ी का संतुलन अच्छा होगा। तो जितना कम ऊंचाई होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा। तो छोटे ऊंचाई के खिलाड़ी का संतुलन अच्छा होगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट है, एक धावक दौड़ते समय अपने शरीर के ऊपरी भाग को आगे झुकाकर क्यों रखता है? क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के लाभ के लिए ऐसा करता है, जिससे संतुलन बना रहता है, गिरता नहीं है। नेक्स्ट है, ताजी व तीक्ष्ण चोट को क्या कहते हैं? तो तुरंत लगी चोट को एक्यूट या ताजी व तीक्ष्ण चोट कहा जाता है, और पुरानी चोट को क्रोनिक इंजरी बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो काइफोसिस, हंचबैक, हॉलोबैक। यहाँ पे क्या है? काइफोसिस, हंचबैक और राउंड बैक, एक ही को कहते हैं। काइफोसिस को हम राउंड बैक, हंचबैक, काइफोसिस, कुबड़ा आदि के नामों से पुकारते हैं, बट हॉलोबैक जो है कमर वाले भाग में वक्र बन जाता है, कर्व बन जाता है, उसे हम हॉलोबैक कहते हैं। तो ये आपका अलग है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि हॉलोबैक जो है यह अग्रकुब्ज लॉर्डोसिस है, जबकि बाकी कुब्जता यानी कि कुबड़ा के उपनाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पे जेनु वलगम, पेस कैविस, पेस प्लेनिस, सभी पैर की विकृति है, जबकि स्कोलियोसिस आपका रीढ़ की हड्डी का विकृति है। नेक्स्ट है, हार्ड राइडिंग किस विकृति का समाधान होता है? तो जेनु वलगम, जिसमें घुटने नॉकनी, जेनु वलगम जिसमें दोनों घुटने सट जाते हैं, तो उसके लिए हॉर्स रेसिंग आपका अच्छा समाधान होता है। जेनु वलगम नॉकनी में दोनों घुटने सट जाते हैं, और वाउलेग यानी जेनु वरम में दोनों घुटने बाहर की तरफ निकल जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से क्या विषम है? जेनु वलगम, पेस कैवस, पेस प्लेनस। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन हो चुका दोस्तों। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये भी हो गया, हॉर्स राइडिंग किस विकृति के समाधान है? तो जेनु वलगम का। नेक्स्ट है, एक मीडियम पेस बॉलर में समानता कौन सी विकृति पाए जाने की संभावना रहती है? तो उसमें स्कोलियोसिस होने की ज्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट है, किस विकृति को ओवर प्रोनेटर भी कहते हैं? तो यहाँ पे ओवर प्रोनेटर किसको कहते हैं? पेस प्लेनस यानी कि फ्लैट फुट को, और अंडर प्रोनेटर किसे कहते हैं? क्लेफ्ट फुट को यानी पेस कैवस को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन लोअर बैक की विकृति है? लोअर बैक ये लॉर्डोसिस जो है कमर वाले भाग में जो कर्व बन जाता है उसे लॉर्डोसिस कहते हैं, यह लोअर बैक की विकृति है, जबकि काइफोसिस जो है अपर बैक की विकृति है। क्ले फुट और फ्लैट फुट यह पैर के तलवे की विकृति है। नेक्स्ट है, स्कोलियोसिस नामक विकृति किस अंग्रेजी वर्णमाला जैसा आकार लेता है? तो सी और एस जैसा होता है, यहाँ पे सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, स्पाइनोग्राफ नामक उपकरण से क्या मापा जाता है? तो स्पाइनोग्राफ जो है फेफड़ों की वायुधारक क्षमता को मापता है, तो यह स्पाइरोमीटर फेफड़ों की वायुधारक क्षमता को मापता है। यहाँ पे स्पाइनोग्राफ दिया है, तो स्पाइनोग्राफ जो है क्या मापता है? स्कोलियोसिस को मापता है, ठीक है, स्कोलियोसिस को मापता है। नेक्स्ट है, डायफ्राम मांसपेशी को क्या कहा जाता है? तो इसको रेस्पिरेटरी मसल, श्वसन मसल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से डिस्पेनिया का संबंध किससे है? तो डिस्पेनिया का संबंध है फेफड़ों से, किससे? फेफड़ों से। नेक्स्ट है, एक बार में अधिक से अधिक वायु अंतः श्वसन में लेने के पश्चात वाह श्वसन में अधिक से अधिक मात्रा में वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र है, वाइटल कैपेसिटी बराबर टाइडल वैल्यूम प्लस कम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर, जो 46 ml कुल होता है। एंड कुल श्वसन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल एयर, जो कुल 5.8 liter होता है।
नेक्स्ट है वाह श्वसन के दौरान डायफ्राम मांसपेशी की स्थिति कैसी रहती है। तो डायफ्राम मांसपेशी के फैलने सिकुड़ने से ही श्वसन बाहर व अंदर आता है, तो वाह श्वसन के दौरान अनुशिथिलन की स्थिति में होता है। नेक्स्ट है स्पायरोमीटर द्वारा वायु की मात्रा मापने की इकाई क्या होती है। तो स्पायरोमीटर फेफड़ों की श्वसन क्षमता को मापता है, तो वह लीटर में मापता है। नेक्स्ट है पार्शियल दाब के कारण फेफड़ों में क्या होता है। पार्शियल दाब यानी कि विसरण प्रक्रिया द्वारा फेफड़ों में डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। फेफड़ों के एल्वोलाइज में डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन जो है चला जाता है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ले लेता है और अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को चला जाता है एल्वोलाइज में, जिसके वाह श्वसन के द्वारा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल किस प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। तो वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल जो है वह गैट प्रशिक्षण के रूप में अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है। तो अक्षय वैसाखी, समानांतर वर और वाकर, ये आपका सेम है। अब विषम कौन है, तो स्प्रिंग बैलेंस आपका विषम है। इसके अलावा ये तीनों जो है गैर प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है गैर प्रशिक्षण का संबंध किस अंग से नहीं है। तो पंजे से, कुल्हे से, घुटने से है, बट गर्दन से नहीं है। नेक्स्ट है साइनोवाइटिस शरीर के किस अंग की चोट है। तो साइनोवाइटिस जो है शरीर के जोड़ यानी कि संधि ज्वाइंट्स की चोट है। हमारे हड्डियों के ज्वाइंट्स जो है लिगामेंट से जुड़ा होता है, जहाँ पे साइनोवियल नामक द्रव्य होता है जो हड्डियों को लुब्रिकेट्स प्रदान करता है, जिससे हड्डियाँ आपस में घिस कर कमजोर नहीं होती हैं। तो वहाँ पर चोट जो लगता है उसको साइनोवाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है जोरदार खिंचाव के कारण टेंडन के तंतुओं का टूट जाना क्या कहलाता है। तो मांसपेशी या टेंडन के चोट को हम कहते हैं स्ट्रेन, एंड लिगामेंट के चोट को कहते हैं स्प्रेन। स्ट्रेन टेंडन जो है कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जुड़ता है, और जबकि लिगामेंट जो है दो हड्डियों को जोड़ों पर जुड़ता है। नेक्स्ट है क्रोनिक इंजरी किस प्रकार की चोट है। तो क्रोनिक इंजरी, पुरानी चोट को क्रोनिक इंजरी बोला जाता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे मजबूत टेंडन कौन सी है। तो शरीर की सबसे मजबूत टेंडन एड़ी के पास की टेंडन एकलिस टेंडन होता है। नेक्स्ट है स्टीच नामक चोट का संबंध किस मांसपेशी से है। तो यह पेट की मांसपेशी यानी कि डायफ्राम मांसपेशी से होता है। इसमें पेट के नीचे भाग में अचानक से तीखा दर्द होता है। नेक्स्ट है क्रैम्प नामक चोट लगने का क्या कारण है। तो यह वातावरण में चेंजेज होता है, जिसे क्रैम्प यानी खिंचाव हो जाता है, एंड विद्युतीय अपघटनों में असंतुलन। यहाँ पे राइट होगा विद्युतीय अपघटकों में असंतुलन के कारण। नेक्स्ट है जोरदार आघात के कारण मांसपेशियों का थुर जाना व नीला पड़ जाना व सूजन आ जाना क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है कॉन्ट्यूजन। नेक्स्ट है टर्निक क्या है। एक प्रकार का यह बैंडेज है। टर्निक क्या है, एक प्रकार का बैंडेज है। नेक्स्ट है किस चोट को मैट बर्न के नाम से जाना जाता है। सैंडबर्ग, मैट बर्न एंड स्ट्रॉबेरी आदि नामों से जाना जाता है एवरेजन, जो त्वचा की चोट है। एंड खेलते समय या कोई भी काम करते समय अचानक से त्वचा का छील जाना या खरोच लग जाना एवरेजन कहलाता है। नेक्स्ट है उष्ट्रासन में किसकी आकृति बनती है। तो उष्ट्रासन में ऊंट की आकृति बनती है। नेक्स्ट है 21 जून 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो 21 मई 2015 को योग दिवस की शुरुआत हुआ था विश्व योग दिवस, और 2020 में यह छठा योग दिवस था।
2020 में कौन सा एक दिवस था? छठा एक दिवस मनाया गया था। 21 में सातवां, 22 में आठवां और 23 में नवां मनाया गया। नेक्स्ट है, किस देव ने योग की उत्पत्ति किया? तो शिव ने किया। किसने किया? शिव ने किया। नेक्स्ट है, अष्टांग योग में अष्टम अंग क्या है? तो महर्षि पतंजलि के पतंजलि योग सूत्र में आठ अष्टांग योग के अंतर्गत आठ अंग के बारे में बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आठवां अंग क्या होगा? समाधि होगा। नेक्स्ट है, सूर्य नमस्कार में मंत्रों की कितनी संख्या है? तो सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां होती हैं, तो यहाँ पे मंत्र भी 12 होते हैं। नेक्स्ट है, प्राणायाम में श्वास को अंदर लेना क्या कहलाता है? तो प्राणायाम में श्वास को अंदर लेना पूरक कहलाता है। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास पर नियंत्रण करना। यह इसके तीन घटक होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक सांस को अंदर रखना ऐसे थोड़ी, तो पूरक मतलब श्वास को अंदर लेना, कुंभक मतलब श्वास को कुछ देर तक रोके रखना, और रेचक मतलब श्वास को बाहर निकालना। नेक्स्ट, निम्न में से क्या कौन सा आसन है? तो इसमें से पद्मासन जो है ध्यान आसन है। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से ध्यान आसन कौन सा है? तो पद्मासन है। नेक्स्ट, सामान्यतः वज्रासन कब किया जाता है? तो सामान्यतः वज्रासन जो है भोजन के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है, नियम के कितने भाग माने गए हैं? तो नियम के 5 भाग होते हैं, शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 अंग होते हैं यम नियम के। नेक्स्ट है, हृदय द्वारा एक पंप में निष्कासित की गई रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक पंप यानी एक धड़कन में जितना हृदय रक्त को पंप करता है हमारे शरीर की तरफ, उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको 70 ml प्रति मिनट होता, प्रति धड़कन होता है। तो 70 ml प्रति धड़कन होता है। तो एक होता है कार्डियक आउटपुट, हृदय की कुल क्षमता। तो कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है, हार्ट रेट होता है 72। दोनों का गुणा करेंगे तो कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाएगा, जिसमें 5.01 लीटर अब का होता है। तो दोस्तों, आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस मैंने कराया। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, एंड डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।